हेलो गाइस, आप सभी स्टूडेंट के लिए आज से मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया है जो कि एसएससी रेलवे ग्रुप डी एंड मंत्रालय द्वारा यानी कि चपरासी भर्ती एंड हॉस्टल वार्डक के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है आज से ही, जो कि पिछले वर्ष के प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं मैथ्स की क्लास आज से। चलिए, पहला क्लास है हमारा, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित, देखिए 2 + 3 + 4 + 5 को जोड़ना है, यानी कि देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है और इसका आंसर लाना है। तो देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन 8 8 8 मतलब ये सभी 8 जैसे ये संख्या दिया गया है इनको सभी को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सभी में 8 हमें को कॉमन दिख रहा है तो 8 हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। 8 कॉमन निकाल दिए तो वहाँ पर 8 की जगह कितना बचा है, 1 प्लस कर देंगे। फिर यहाँ संख्या 2 है, उसको 8 कॉमन निकाल दिए थे 2, उसी प्रकार सभी में कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 संख्या है तो 3 कर देंगे, 1 2 3, फिर प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4 संख्या है तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर कितनी संख्या है, 5 है ना, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक 8 कॉमन निकल गया है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 8 तो कॉमन निकाल चुके हैं तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 12,345, ठीक है। अब देखिए, अब इन सभी को इनके साथ गुणा करेंगे, अब इन सभी को इनके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इन सभी को इनके साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 98,760, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार हम हल किए हैं। सबसे पहले 8 कॉमन निकाले हैं, देखिए यहाँ पर हम पहले 8 कॉमन निकाले हैं, उसके बाद 1 1 करके ये सब निकाले थे। अब इन सभी को हम जोड़ दिए हैं, सभी को जोड़ दिए हैं तो इतना आ गया। अब इसको 8 से गुणा किए हैं तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 98,760, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 8 12 का लघुत्तम निकालना है, ठीक है, 8 12 और 15 का लघुत्तम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे 8 12 और 15, ठीक है, ये इनका लघुत्तम निकालेंगे कितने जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे, 2 से, छोटी संख्या से 2 से करेंगे तो 2 4 8 और 2 6 12, ये 15 तो नहीं जाएगा तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 2 4 और 2 3 6 और ये 15, ठीक है। अब इसको 3 से भाग कर देंगे तो 2 का 2 10 का 10 रहेगा, 3 से भाग करेंगे 3 1 3 और ये 3 5 15। अब यहाँ से गुणा कर देंगे इन सभी का, इनका इनका और ये इनका इनका गुणा कर देंगे तो 5 2 10 हो गया और 10 दिया कितना हो गया, 10 दिया 30 हो जाएगा। अब 30 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 2 120, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे, हमारा अगला सवाल है 4 6 और 10 का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो चलिए फिर निकालते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं 4 6 10। अब इनका लघुत्तम निकालेंगे किससे, 2 से, 2 2 4 2 3 6 और 2 5 10। अब सभी को फिर गुणा कर देंगे आपस में तो 5 3 15 और 15 2 30 और 30 2 60, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका लघुत्तम, 60 आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लघुत्तम निकालना आ गया। इसी प्रकार कल हमारे चैनल पर महत्तम और लघुत्तम समापन तक देखेंगे, ठीक है।
जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल से ही हमारे चैनल पर मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारा पहला क्लास है जो कि SSC रेलवे ग्रुप डी छात्रावास अधीक्षक और चपरासी जो कि मंत्रालय द्वारा जो प्यून की भर्ती निकले हैं उनके लिए खास तौर पर ये गणित की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज से। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली आपको गणित की क्लासेस कराया जाएगा रात के 9 बजे, यानी कि आज रात 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है और डेली आपको 9 बजे की क्लास रहेगी गणित की, ठीक है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए 23 जून से हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस लगेगी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए अब सवाल देखते हैं, 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 14 है। कितना है योगफल? 14 है। अब उसका अंतर कितना है? 10 है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो हमें डायरेक्ट हम ट्रिक से निकालेंगे, ज़्यादा बेसिक बनाने से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में आप लोग बेसिक बनाओगे तो क्या मिलेगा, है ना। डायरेक्ट हम टिक लगाएंगे कि क्या आएगा, तो देखिए इसका आंसर 4 आएगा और कैसा आएगा तो देखते रहिएगा। देखिए 2 संख्याओं का योगफल, माना कि 2 संख्या है हमारे पास, कितना है, मान लो 2 संख्याओं का योगफल, मान लो ए प्लस बी, 2 संख्याओं का योगफल हम मान लेते हैं 14, ठीक है। और इसका अंतर यानी कि ए माइनस बी बराबर हो जाता है 10, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊँगा। देखिए अब कैसे आएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए 2 संख्याओं का योगफल, मान लो कोई 2 संख्या 12 और 2 ले लेते हैं 2, ठीक है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाता है। अब उसी प्रकार 2 संख्याओं का योगफल ले लिए, अब अंतर बोला है तो 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहीं पर पूछा है ना, 2 संख्याओं का योगफल बोला गया था हमारा, ये देखिए 12 और 2 14 हो गया, उसी प्रकार अंतर के लिए 12 और 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें 2 जोड़े हैं तो 2 कर देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बोला गया ना, तो पहली संख्या हमारा 2 हो गया, अब दूसरी संख्या हम 2 घटाए हैं तो कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला गया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 2 दूनी 4, आ गया ना हमारा आंसर, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हमारा अगला सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समार्थक 144 है, कितना है, 144 तथा महत्तम समापवर्तक 8 है, कितना है, 8। 2 संख्याओं का लघुत्तम समार्थक, मान लो कोई लघुत्तम समार्थक 144 है और गुणा महत्तम समापवर्तक 8 बोला गया है। अब क्या करेंगे, एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मान लो एक संख्या 16 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 को फिर से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 72, कितना आ रहा है, 72, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 72 होगी, ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ये वाला, तो इसका आंसर 72 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ पर, ठीक बिल्कुल। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी आपको डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। डेली आपको गणित की क्लासेस कराया जाएगा और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और 1 लाइक करके जाइएगा, तभी मैं समझूंगा कि स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, परीक्षा उपयोगी के लिए तैयारी करते रहें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, है ना। देखिए यहाँ पर चलिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर चलिए कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में बताइए, तो चलिए इसका आंसर कौन सा आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है, मान लो कोई 2 संख्या है, मान लो चलिए A×B, मान लो A×B यानी कि 2 संख्या ले लें, उनका गुणनफल कितना बोला गया है, 216। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 हो, अब किनका महत्तम समापवर्तक, ये 216 का महत्तम समापवर्तक 6 हो बोला गया है, तो क्या निकालना है हमें, LCM, क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, LCM निकालना है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए अब कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, मान लो 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे 216, और महत्तम समापवर्तक 6 बोला गया है तो यानी कि 6 से हम डायरेक्ट भाग कर देंगे उसको, ठीक है, तो 6 कम 6 6 2 12 6 3 18 कितना बचा
18 के बाद 19, 20 और 21, यानी कि कितना बचा 3 और ये वाला 6, यानी कि 36। अब 6 से फिर भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 दून 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36, यानी कि 6 बार में कट गया तो इसका आंसर 36 आ गया। तो उनका लघुत्तम समार्थक कितना होगा? 36, ऑप्शन ए। ठीक है, डाउट हो रहा होगा तो कमेंट में कर सकते हैं। कैसा आया होगा एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है यहाँ पर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो दो संख्या का गुणनफल 216 है, तो हम डायरेक्ट आंसर लाते हैं ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं करने का है ना। दोस्त देखिए 216 है और उसका महत्तम समार्थक 6 बोला गया, डायरेक्ट उसको भाग कर दीजिए ना, 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18 हो गया, 3 हासिल है तो 36, फिर ये 36 आ गया तो 6 6 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, आंसर आपका आ रहा है ना। तो लघुत्तम समार्थक तो निकल गया है। ठीक है, अब इसका महत्तम समार्थक कैसे निकालेंगे बोलेगा, तो 6 तो दिया है, उसको भाग अगर और कटाएंगे तो इसका महत्तम समार्थक तो आ ही रहा है 6। और गुणनफल की बात करें तो देखिए अगर 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना, देखिए अब गुणनफल अब कैसे आएगा, चेक कैसे करेंगे, तो देखिए चेक ऐसे करेंगे, अब 216 और 6 है, ठीक है, यानी कि आंसर कितना हमारा लघुत्तम समार्थक 36 तो आ रहा है, लेकिन दो संख्याओं को गुणनफल बोला गया, तो मान लो एक संख्या कौन सी है, 36 हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और देख सकते हैं। मान लो कि पहली संख्या हमारा 36 है और दूसरी संख्या 6, ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। तो दो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 216 है, आ गया ना। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल क्लास करेंगे। ठीक है, एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा, डेली क्लासेस।